ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಮಹಾನುಭಾವ ನೀವು सब महानुभाव और मेरे परिवार के सब सदस्यगण जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको सबको सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा। आपके सामने राम राज्य को चला के लाई हूँ, बोलो समझ में आई क्या? आ गए, आ गए मौसम में मैं आई और आप लोगों ने उस पड़ते पानी में मेरे को ये कहा कि जो मेरे को पीने का पानी पिलाएगा, आप नहीं जानते हम किस तरीके से यहाँ प्रताड़ित हैं, किस तरीके से मरे जा रहे हैं, पीने के पानी का 65 साल निकल गया और हमारे लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हमने कहा सबसे बेस्ट ये होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो पीने के पानी की सब चीज को समझता है, एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दो जिसका काम ही ये होगा कि यह नादोदी की जो भी पानी की मुसीबत है उस पानी की मुसीबत को वो ठीक करके समझदारी के साथ आपका काम करके छोड़े। इसलिए रामराज जी को आपके सामने लाए हैं। मुझे मालूम है क्योंकि अपने समय के अंदर 22 करोड़ रुपए का खर्चा करके 151 गांव को पैदल पहुंचाने का काम, क्योंकि मैं जानती हूं मैं लंबा चौड़ा आज भाषण नहीं करने आई क्योंकि अपना चुनाव चल रहा है और 10-10 गांव में अपने को जाना है, आप लोग सब जानते हो। इसीलिए अपनी बात कहने आई हूं ताकि मैं आपको याद दिला दूं कि 151 गांव के अंदर हम लोगों ने पैदल पहुंचाने का काम किया था। आपको याद है कुएं भी अपन ने खुदवाए थे, सब इसमें इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, इनका भी बहुत बड़ा हाथ था। और 212 गांव ऐसे थे जो बिल्कुल पानी से की कमी से जूझ रहे थे, उनको भी पानी पिलाने का काम हमने किया था। पर सबसे बड़ा काम जो था वो मंडाल से यहाँ नाड़ोती तक पानी लाने का, याद है आप लोगों को? साहब उन लोगों ने कहा था वो लाने का काम करिए, हम लोगों ने पैसे का इंतजाम भी कर दिया था, पैसे भी दिलवा दिए थे, परंतु इस कांग्रेस ने उसको रोक भी दिया, उसका डायरेक्शन भी बदल दिया। ये भी अच्छे से जानते हो, जाना कहीं था चला जा रहा है कहीं और। परंतु मैं ये कहती हूँ पीने का तो पानी सबको देना है, परंतु जिसको वादा किया था उस वादा को पूरा करेंगे। मैंने इसे चला के इनको कहा कि तुम आओ वहां लड़ो और इन सबको पीने का पानी देने का काम आप करो, तो मेरी बात कह जाएगी। आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ और आप लोगों ने अपना रिश्ता निभाया, सब लोगों ने प्यार किया, 36 की 36 को हमने प्यार दिया, सब लोगों ने हाथ फेर के आशीर्वाद भी दिया और मेरे सब संगियों ने मेरे को ये भी पहना दिया, तो मैं भी खाली हाथ नहीं आई। आज मेरा सुराग संकल्प निकला है सबके सामने, मैं उसकी घोषणा करके ही आ रही हूँ। और मैंने कहा कि मेरी जो संकल्प है उस संकल्प को आपको पढ़ के ही सुना दूं ताकि फिर आपको कहने को नहीं होगा कि वो उनके कागज में था कि नहीं था। मैं पढ़ के सुना देती हूँ। विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित गुजर, रायका, देवासी, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़ियालवार के विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सभी संवैधानिक बाधाओं को दूर करते हुए 5% आरक्षण लागू करना और संविधान की नवी सूची में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की सरकार सुनने दो, भाजपा की सरकार ने पूर्व में भी इस दिशा में ठोस कदम उठाए थे तथा आगे भी इस दिशा में काम करने के लिए कृत संकल्प है। और क्या ठोस कदम उठाए थे? विधानसभा में ले गए, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करवाया, पारित करवा के अपने गवर्नर साहब के पास भेजाया, गवर्नर साहब से बड़ी मुश्किल से 1 साल के बाद उसको निकलवा के हम लोगों ने दिल्ली भेजाने की बात थी, तब तक सरकार दूसरी आ गई। ये गया नहीं। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ये बता दो कि सब नेताओं ने आप लोगों के साथ क्या किया? 5 साल मंत्री, अपना मंत्री दिल्ली में बैठा हुआ, वो भी उस सरकार, अपनी सरकार वहां भी, अपनी सरकार यहां भी, क्यों नहीं करा पाए आज तक 9वीं सूची के अंदर? क्यों नहीं करा पाए? और फिर आपके सामने आएंगे, फिर आपको मत लाने की कोशिश करेंगे। याद रखना भाइयों, आपका हमारा रिश्ता है, इसलिए दिल से जो बात होती है वो जमीन के ऊपर लाने की हम कोशिश करें। सुरक्षित हो, आज कहां सुरक्षित है? बच्चे बच्चियां जाती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने जाती है तो वापस आती नहीं है जब तक ऐसा दिल धड़कता है।
कि कहीं ऐसा ना हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया। आज ये स्थिति है राजस्थान में, हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए। 10 लाख नौकरियां तब दी थी, आने वाले समय के अंदर 15 लाख नौकरी का मैंने कहा हुआ है। और मैं सब लोगों को ये कह रही हूँ कि टैक्स का प्रबंधन करेंगे स्कॉलर। और आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से पहले आप लोगों को नौकरी देने का काम किया था, वैसे फिर नौकरी देने का काम हम लोग करेंगे, इसकी चिंता आप लोग मत करो। इसके बाद अब मैंने महिलाओं को कहा है कि पहली दफा मैंने 24 घंटे घरोनी बिजली का लाइन एक निकाल के आप लोगों को दिया था। जब मैं सरकार छोड़ के गई थी तब 18 से 20 घंटे बिजली आप लोगों को मिलने लगा। मैं फिर वादा करती हूँ, मेरे घोषणा पत्र में है कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को 24 घंटे घरेलू बिजली मिलेगी, 24 घंटे भाइयों। क्योंकि मैं जानती हूँ कि महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए ये बहुत जरूरी है कि बिजली घर के अंदर उन लोगों को मिले। इसके साथ साथ मुझे दो नए चीज और जोड़े हुए हैं। किसानों को 1% की दर पर खेती बाड़ी के लिए कृषि ऋण उपलब्ध किया जाएगा। और पंजीकृत बेरोजगार नौजवानों को 20 लाख की ऋण सुविधा सरकार की गारंटी के ऊपर 3% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये सब लोगों को मैं अभी कहकर जा रही हूँ, ये सब काम आप लोगों को होगा, इस काम में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। परंतु आप भी आगे आ रही ये आओ साथ चले, मैंने अपना हाथ बढ़ाया है, आप भी आए, ये हाथ को थामे, हम लोग मिलकर काम करें। और विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहती हूँ कि ये डांग का एरिया जो इतना पिछड़ गया था, काम अपन इस गांव के एरिया से शुरू करेंगे। इसलिए मुझे चाहिए ऐसे लोग जो उन चीजों को समझते हैं और दौड़ दौड़ के वो काम कर सकते हैं। तैयार हो साथ देने के, तैयार हो क्या? अगर हाँ तैयार हो साथ देने के लिए, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ। मैंने मेरे से अभी सब लोगों ने पूछा माला क्यों नहीं पहन रहे, मैंने कहा मैं माला पहनने नहीं,